अयोध्या वासियों को राजा श्री राम ने जो उपदेश दिए उन्हें भक्तजन राम गीता की संज्ञा देते हैं। हनुमान तथा अपने तीनों भाइयों को संत असंत के लक्षण बताकर श्री राम ने नगर निवासियों को नीतिपरक उपदेश दिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि मानव तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। ये साधना का माध्यम और मोक्ष का द्वार होता है। जिसने अपने परलोक की चिंता नहीं की उसे अंततोगत्वा पछताना पड़ता है। वो काल कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। हे नगरवासियों, ये शरीर विषयों का भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। विषय वासना में इस तन का उपयोग करने वाले मूर्खतावश अमृत को विष में बदल देते हैं। माया के वशीभूत प्राणी काल कर्म स्वभाव तथा गुण अवगुणों से घिरा अनंत काल तक भटकता रहता है। सुनहु तात मायाकृत गुण अरुदोष अनेक गुण यह उभयन देखिय सो अविवेक श्रीमुख वचन सुनत सब भाई हर्षि प्रेम नरदय समाई करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान हिय हर्ष अपारा रघुपति निज मंदिर गए यही विधि चरित करत नित नए बार बार नारद मुनियावही चरित पुनीत राम के गावही नित नव चरित देखि मुनि जाहि ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि सनकादिक नारद ही सराहहि यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहि सुनि गुण गान समाधि बिसारी सादर सुनहि परम अधिकारी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही पाशा सब आए बैठे गुर मुनि अरुद्विज सज्जन बोले बच
वचन भगत भव भंजन सुनहु सकल पुर जन मम बानी कहूं न कछु ममता पुर आनी नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताए सुनहु करहु जो तुम ही सुहाए सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जो जो अनीति कछु भाकौ भाई तो मोहि पर जब भय बिसराई बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक संवारा सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा एही तन कर फल विषयन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नर तनु पाई विषय मन दे पलटि सुधा ते सठ विष ले ताही कबहु भल कहई न कोई जाग्रहि परस मनी खोई आकर चारी लक्ष चौरासी जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा बहुक करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हे तू सनेही नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करन धार सदगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा